इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भाई अयोध्या तक की जर्नी। तो अयोध्या पहले मैं आपको थोड़ा बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो मुझे मिली भाई ट्रेन में नेस कैफे की कॉफी। लंबी गाड़ी है ना, बहुत बड़ी स्टेशन है, बहुत बड़ा है। फाइनली अयोध्या। तो ये रहा अपना नाश्ता, वेज सैंडविच मंगाया था और पनीर के पकौड़े और हरी चटनी। हेलो। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। बेसिकली वीडियो नहीं है ये, एक नया ट्रिप होने वाला है जो कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनारस से। तो मैं हूँ बनारस स्टेशन पे और ये ट्रिप बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि भाई इस ब्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। बेसिकली फुल पूरी तरीके से एकदम डिटेल्ड शिमला की ब्लॉग बनाने वाले हैं और हर एक प्लेस आपको इसमें दिखाने वाले हैं। ये किन लोगों के लिए है जो भाई शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, जिनका बजट कम है, जिनका बजट ज़्यादा भी है, उनके लिए भी, तो दोनों टाइप के लोगों के लिए ये ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि मैं बनारस से होते हुए अयोध्या, लखनऊ, रुड़की, मुरादाबाद होते हुए अम्बाला कैंट पहुँचूँगा और वहाँ पे कालका पहुँचूँगा और कालका के बाद हम लोग कालका से शिमला की टॉय ट्रेन लेंगे और वहाँ से हम लोग शिमला रीच करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। अगर आप ये पूरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो इसमें आपको जो है शिमला की हर एक फेमस प्लेस और हर एक प्लेस हम लोग दिखाएंगे, पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो मेरा पर्पज़ इसमें यही है। और बेसिकली अभी बज रहे हैं सुबह के 2:55 हो रहा है और ये है बनारस। मेरी जो ट्रेन है वो है क्या कहते हैं आपका 5 यहाँ से, जो रीच करेगी कालका कल सुबह। तो ये वाली मतलब पूरी ट्रिप में जो है क्या होने वाला है कि मतलब पूरी 24 घंटे की ट्रेन ट्रिप है और एसी सेकंड क्लास में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। और आपको मैं इस पूरी जर्नी में हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या खाना है, रूट कैसा है और कितने सारे डिफरेंट ये सिटीज से होके हमारी ट्रेन जाएगी और हर एक चीज़ मैं पूरा कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये अपनी जो है भाई क्या कहते हैं शिमला की ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आपको बिल्कुल ये वाली मिस नहीं करना चाहिए अगर आप सोचते हैं कि शिमला प्लान करेंगे या फिर शिमला जाना चाहते हैं या शिमला आपको जाने का ड्रीम है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो हम लोग भाई अभी यहाँ से चालू करेंगे अपना ये वाला पूरा जर्नी और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने ज्ञान ऑलरेडी दे दिया है इसमें और अब मुझे लगता है इतना ज्ञान काफ़ी है कि हमें ये वाला ट्रिप क्यों करना है और आपको क्यों देखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब हम लोग इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और ये ट्रिप अपना एक वीक का होने वाला है। तो भाई शिमला की हर एक चीज़ पूरा रूट यहाँ से लेके शिमला तक, शिमला की टॉय ट्रेन, माल रोड और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें फेमस हैं, स्केटिंग वगैरह हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और सुबह है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है भाई, इतना भी कम नहीं है। तो ये है बनारस। तो सब लोग भाई जोर से बोलो श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जय। तो आई होप कि हम लोग की ये वाली ट्रिप बहुत ही शानदार होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। और अब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए सीधा हम लोग चलेंगे अपनी ट्रेन के पास। अपनी ट्रेन बहुत जल्द आने वाली है तो अब आपसे मैं मिलता हूँ सीधा डिपार्चर। फाइनली भाई हो चुका है 5, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख गया इसलिए मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो
ट्रेन लवर्स के लिए भाई, देख रहे इलेक्ट्रिक इंजन लोकोमोटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है पूरा। वहाँ पे वो जोड़ रहा है, आ जाओ देखते हैं। कितना बढ़िया दिख रहा है, वहाँ पे लगा रहा है। ये है पूरा इलेक्ट्रिक इंजन ऊपर से लेके नीचे तक। इंडियन रेलवे नाम सुन के ही मजा आ जाता है, गाजियाबाद। चलिए चलते हैं, अच्छा लगता है भाई देखने के लिए। लखनऊ अंबाला के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1504 फ्रॉम हो चुकी है भाई डिपार्चर। एकदम जस्ट सुबह ही हो रहा है, एकदम मॉर्निंग। बाथरूम इसमें भी शानदार है भाई, देख रहे हो। सही ट्रेन है, नई लग रही है, एकदम बढ़िया। बाथरूम को पहले आपको दर्शन कराते हैं। चलते हैं अब बाहर, दिखाते हैं अंदर कैसे क्या माहौल है। तो फाइनली भाई साहब हम लोग आ गए हैं अंदर, सीट बैठ गए। बेसिकली सीट मेरी ऊपर की है, लेकिन अभी मैं यहीं पे बैठूंगा, खाली है। बाहर का नज़ारा देखो भाई, एकदम सुबह हो रहा है। तो ट्रेन कुछ ऐसी है, तो ये है, हम लोग सेकंड एसी में कर रहे हैं। यहाँ हमें एक शॉर्ट सर्किट भी दिया है चार्जिंग का, लाइट भी दिया है, और बढ़िया विंडो है, टेम्परेचर अच्छा मेंटेन है। उसको पूरा खोल के पूरा एंजॉय करते हुए जाएगा है। और आपको दिखाएंगे भाई पूरी जर्नी हमारी वहाँ तक। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भाई अयोध्या तक की जर्नी। तो जानते ही होंगे आप, राम की है नगरी। जस्ट अभी निकले ही हैं, मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। फिर आगे मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। सब लोग पर्दा वर्दा लगा के एकदम सो रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये इधर का कुछ एरिया, बहुत तेज चल रही है। इस बार विंड नॉइस को थोड़ा मेंटेन करेंगे। एकदम अभी सुबह नहीं हुआ है, जस्ट अभी कितना बज ही रहा है, 5:30 ही तो बजे निकली थी। थोड़ा सा नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं बाबतपुर। स्पीड तो काफ़ी अच्छा मेंटेन करती है, लेकिन मुझे लगता है हर जगह रुकते हुए ही जाएगी। तो डिब्बा यहीं सामने ही है, और भाई अपना कोच तो काफ़ी बढ़िया है, अंदर सीट भी बढ़िया मिल गई है भाई। इधर पूरा स्लीपर की साइड है आगे की तरफ में, और यहाँ उधर वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट का भी था, लेकिन इसमें कुछ डेवलप नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट ही है यहाँ पे। चलते हैं, कुछ खाने को भी नहीं है। मिलते हैं डिपार्चर पे आपसे। ये अपना डब्बा है, बढ़िया अंदर से भी मस्त दिखता है। चलो, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करता है भाई।
है, आपको दिखाता हूँ कितना तेज चल रही है। मतलब ट्रेन का भाई जर्नी करना किसको पसंद नहीं होता है, तो रॉ एक्सपीरियंस भाई हम आपके लिए लाए कि आपको भी घर पे बैठे हुए वो ट्रेन का एक्सपीरियंस ले सके। यहाँ बहुत तेज नहीं बोल सकते हैं, अंदर सब बैठा हुआ है, झटके भी दे रही है बीच बीच में। तो मिलते हैं आपसे अराइवल पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्पीड, टॉप स्पीड कितनी है आगे। जी अपना आत्मा नंबर गौरीगंज। हो चुका है यहाँ से डिपार्चर, जी मैं सो गया था, 3-4 घंटे सो ही रहा था। टाइम होने वाला है 11 बजने वाला, हम लोग अयोध्या अभी पहुँचेंगे, अभी नहीं पहुँचे, 2-3 स्टेशन अभी और है। ये कौन सा है, अभी उठते हैं, चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारे फिर दिखाते हैं। और अपना नाश्ता मैंने ऑर्डर कर दिया था वहाँ पे, क्या कहते हैं अयोध्या में, तो आएगा फिर देखेंगे उसको कैसा मिलता है। यहाँ से डबल लाइन बन रही है, भाई अब एकदम अयोध्या आने वाला है। सुबह तो मैं सो गया था, अभी जाके थोड़ा उठा हूँ। आवाज आ ही नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, तब तक आपको थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाते हैं, फिर मिलते हैं अराइवल पे। भयंकर यहाँ पे भाई बीच बीच में स्टेशनों का काम हो रहा है, काफी न्यू न्यू स्टेशन ऐड किए गए हैं मेरे हिसाब से। ये देखा इंजीनियर साहब, तो मैं आपको बताता हूँ खाने पीने के बारे में थोड़ा। तो देखिए खाने का जो सीन है, तो ट्रेन में मैंने जैसे पता किया कि यहाँ पे भाई खाने का बहुत बुरा वाला सीन है, तो मतलब 130 रुपये का थाली मिल रहा था अभी मैंने चेक किया,
तो मतलब बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी, मतलब खा नहीं पाएंगे वैसा वाला। तो अगर आप इस रूट पे सफ़र करते हो तो बेस्ट है कि आप IRCTC की जो साइट है वहाँ पे जाके अपने PNR नंबर डाल के आप अपना कर सकते हो बुकिंग खाने के लिए। जैसे मैंने किया है अयोध्या में और लखनऊ में किया है और मुरादाबाद में किया है, तो मैं आपको सबका रिव्यू दूंगा कैसा आता है वहाँ से। तो वहाँ से अच्छा ही आएगा। मैं पहले भी मेरी गोवा वाली ट्रिप में भी मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेन में लेने लायक नहीं है भाई, और इस वाली ट्रेन में तो पैसे ही नहीं है। तो खाने का ये सीन है, और प्राइस बहुत डिसेंट है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे दे रहा है 130 रुपये का थाली, वो तो बेकार है, मतलब खा नहीं सकते हैं। तो ये पता नहीं कौन सी जगह है, शायद अयोध्या आने वाला है। तो मुझे मिली भाई ट्रेन में नेस्कैफे की, खोलते हैं इसको, टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है। सही है, डाला है तो उसने असली वाला ही है। चलते हैं फिर, टी एंजॉय करते हैं नज़ारों के साथ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये है अयोध्या भाई, हमारी ट्रेन यहाँ है। क्या बढ़िया मंदिर बनाया हुआ है, रुको उतरते हैं। तो ये है अयोध्या भाई साहब, अभी बहुत ज़्यादा बन गया है यहाँ पे, ये बड़ा बड़ा जो दिख दो दिख रहा है ये सब आ गया, पहले ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और ये वाला स्टेशन भी नहीं था। मैं आया था 2012 में, तो वो वाला प्लेटफॉर्म था बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। अभी तो इधर भी बन गया, उधर भी बन ही रहा है, मेरी ट्रेन यहाँ है, वहाँ से जाके फिर अंदर। बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए भाई, फाइनली हम लोग अयोध्या रीच हो गए हैं। 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चना चना जल्दी कर साले, ऐसे मोबाइल छीन लेते हैं नहीं, वहाँ तक नहीं ले जाएंगे। तो स्टेशन पे ही बस, लंबी गाड़ी है ना, बहुत बड़ी बस, स्टेशन है बहुत बड़ा है। फाइनली आई हम लोग भाई रीच हो रहे हैं अयोध्या कैंट। तो एक बार मैं गलती से आ गया था 2012 में, एग्ज़ाम देने गया था, और उस दिन फिर मैंने पूरा अयोध्या घूमा था। बहुत ज़बरदस्त जगह है, मेन जगह यही है कैंट। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक वाला, इधर पूरा इलेक्ट्रिक लाइन है। यो अच्छा, ये देखिए एक लोकोमोटिव वाला भी है, डीजल वाला इंजन, पता नहीं किधर की साइड आएगा वो। रात को इतना ठंड था और दिन में इतना तेज धूप हो रहा है। तो ये रहा भाई अपना खाना, अर्बन से आ गया, अर्बन चिली, और अभी चलते हैं आपको पूरा रिव्यू देते हैं क्या क्या आया है और कैसा खाना है। नंबर भी दिया, बंदर मामा फोन लेके भाग जाएंगे। स्टेशन तो यहाँ रुक गया, रुकिए थोड़ा बाहर निकल ले जाए फटाफट, क्योंकि गाड़ी हमारी हो चुकी है रवाना। तो ये रहा अपना नाश्ता,
वेज सैंडविच मंगाया था और पनीर के पकौड़े और हरी चटनी, अच्छा क्वालिटी में भाई सब कुछ बढ़िया दिया है। चले जाए इसको थोड़ा टेस्ट किया जाए, फिर देखते हैं कि कैसा। ये मैं बताता हूँ आपको कि कितने का पड़ा था टोटल। तो ये एज ए नाश्ता हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट। तो चलिए इसको फटाफट रिव्यू किया जाए कैसा है। ये पूरा एक बड़ा पनीर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे ही दे दिया। A1 मस्त है, तगड़ा। चीयर्स। चलिए सैंडविच को भी कर लेते हैं। आगे की जर्नी लखनऊ तक की या हरदोई तक की, तो इसको हम लोग यहीं पे